Hey what's up guys, welcome back to Modify Vlogs. मैं हूं अमित। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंगारू के टायर शाइनर के बारे में। सो, इसको आज अप्लाई करेंगे अपने बुलटू पे एंड कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। एंड साथ ही साथ कहां से ले सकते हो, कितने प्राइस का आता है, सब चीज़ें आपको बताऊंगा। सो, अभी आप देख सकते हो मेरा बुलटू बिल्कुल शाइनी, नीट एंड क्लीन हो चुका है। बट यहां पे रिम्स देखोगे, टायर अभी क्लीन नहीं है, तो आज इसको क्लीन करेंगे यूजिंग दिस। बट उससे पहले एक बार देख लेते हैं टायर की कंडीशन। तो देख सकते हो टायर का अभी जो कंडीशन आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी सारा यहाँ पे धूल मिट्टी जैसा है, बट ये चिपका नहीं है इसके ऊपर। देख सकते हो इसका कंडीशन ही ऐसा हो गया। सो, इसकी जो शाइन थी ब्लैक वाली जो फिनिश होती है वो पूरी तरह से जा चुकी है। ऑलरेडी पूरी बाइक वॉश हो चुकी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बाइक गंदी है, बाइक पूरी वॉश हो चुकी है। बट यहाँ से इसका ओवरऑल लुक आप देख सकते हो इनकम्प्लीट सा लग रहा है बिकॉज ऑफ दी कलर ऑफ टायर। सो, अभी आप देख सकते हो ये है बिफोर कंडीशन। नाउ अब इसको अप्लाई करेंगे एंड मैं आपको दिखाऊंगा इसका आफ्टर कंडीशन कैसे रहता है। तो बिफोर एंड आफ्टर आप कंपेयर कर सकते हो। सो गाइज, ये है कंगारू का टायर शाइनर हाई ग्लॉस ब्लैक रेवोल्यूशन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो नेट वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है 400 ml। तो यहाँ पे आपको नोजल मिलता है टॉप पे, जहाँ पे आप स्टीम एंड स्प्रे दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे डायरेक्शन फॉर यूज़ दिया हुआ है, सारा चीज़ किस तरह से उसको यूज़ करना है। सिलिकॉन इमल्शन है, यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट दिया हुआ है मेन, इसके अलावा कोई भी ऐसा बाय प्रोडक्ट नहीं है इसके अंदर। एंड MRP की बात करें तो 325 rupees का है, बट आपको ये ऑनलाइन अराउंड 250 rupees में मिल जाएगा। तो इसकी बेस्ट बाय लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी अब इसको जल्दी से चेक करते हैं किस तरह से काम करता है, साथ ही साथ मैं आपको बताता रहूँगा। बाइक क्लीन करने के बाद ही आपको ये करना है, टायर प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, वेट कंडीशन में आपको इसको अप्लाई नहीं करना है। तो अब देख लेते हैं इसको यूज़ करके किस तरह से ये काम करता है एंड कितना अच्छा रिजल्ट ये देता है। एंड इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे फोम एप्लीकेटर मिलता है, तो ये इसके साथ बंडल्ड आएगा, तो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको जल्दी से अप्लाई करते हैं। एंड ये चीज़ मैं डायरेक्टली टायर पे स्प्रे नहीं कर रहा हूँ, पहले फोम पे कर रहा हूँ, बिकॉज अगर टायर पे स्प्रे करूँगा तो काफ़ी जो इसका इंग्रेडिएंट है वो नीचे भी गिरेगा। तो मैं सीधे टायर पे नहीं करूँगा, पहले स्पॉन्ज पे लगाऊंगा एंड इसके बाद स्पॉन्ज से इसके ऊपर लगाऊंगा। आप चाहें तो सीधे डायरेक्टली भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, आपको बस एप्लीकेशन करना होता है, तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्पॉन्ज के ऊपर ले रहा हूँ थोड़ी सी क्वान्टिटी एंड इसको इसके ऊपर स्प्रेड करूँगा। तो देख सकते हो इस तरह से बस करते जाना है। तो बस ऐसे स्पॉन्ज की मदद से आपको इसको अप्लाई करते जाना है और टायर को रिवॉल्व करते रहना है। ये देख सकते हैं एक पूरी लेयर इसके ऊपर लग चुकी है। एंड अगर ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा भी रिपीट कर सकते हो सेम चीज़, मतलब जब तक आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है आपको मिलते नहीं। पूरा हमने फिनिश कर दिया एक साइड पे, इसी तरह दूसरे साइड भी करना है। सो गाइज, अब करते हैं आगे वाला टायर का यहाँ पे पॉलिश। तो देख सकते हो इस पर स्प्रे करना है एंड सेम वही तरीका यहाँ पे भी करेंगे। इसको मैं फिनिश करता हूँ, ये देख सकते हो। तो अंतर आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा पहले और अभी में। सो, ये डिफरेंस आप देख सकते हो इसको पॉलिश करने के बाद किस तरह से फिनिश आती है। एंड पूरा आप बिल्कुल जो फैक्ट्री फिटेड जब आपको टायर मिलते हैं नए टायर, बिल्कुल वैसा यहाँ पे अभी दिख रहा है। तो एक बार मैं इसको पूरा फिनिश करता हूँ, फिर आपको इसके सारे फीचर्स बताता हूँ। तो ये हो गया पूरा टायर कम्प्लीट। आप देख सकते हो डिफरेंस पहले और अभी में, पूरी तरह से पूरा ब्लैक आउट हो गया है ये पूरा व्हील। तो चलिए अब उस तरफ करते हैं, इसके बाद सारे चीज़ें आपको बताता हूँ अच्छे से इसके बारे में। तो गाइज, हमने इसको अप्लाई किया है ना, आपने देखा किस तरह से इसने काम किया। तो मेरी तरफ से तो एक बिग थम्स अप है इस प्रोडक्ट को एंड आई हाईली रिकमेंड दिस। अगर आप ऐसा कुछ देख रहे थे टायर शाइनर, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एंड काफ़ी इकोनॉमिकल है। मतलब अगर आप देखो तो लगभग आप इसको लाइक 4 months आराम से यूज़ कर सकते हो, 4 to 6 months, बिकॉज आपको वीकली यूज़ करना है एंड काफ़ी कम क्वांटिटी में यूज़ होता है। तो बस आपको स्प्रे करना है एंड बस वाइप करना है, इसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ भी काम नहीं है। और विद इन लाइक 10 minutes में आप इसको कर सकते हो, तो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, ईजी एप्लीकेशन है। तो इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी इसको रिकमेंड करूँगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन करने के बाद आप इसका जो नेचुरल ब्लैक कलर होता है ना, मतलब टायर का जो एक्चुअल कलर होता है,
उसको रिस्टोर कर देता है तो आपको एक अच्छी फिनिश मिलती है। एंड जो अपीलिंग लुक है मतलब पूरी बाइक का, वो सिर्फ टायर से आता है। मतलब आप बाइक कितनी भी चमका लो, जब तक आपका टायर पॉलिश नहीं है, क्लीन नहीं है और ऐसा ब्लैक नहीं दिखता है, तो आपकी जो गाड़ी है उसका लुक फीका पड़ जाता है। मतलब अगर आपका टायर अच्छे शाइनी एंड ग्लॉसी है तो आपका जो बाइक है वो भी अच्छा दिखेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये जो एरिया है, यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ तो ये वाला जो पार्ट है, मैंने इसको मतलब क्लीन नहीं किया, यहाँ पे पॉलिश नहीं लगाया। इसका रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो ट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है एंड वैसे भी ख़राब हो जाएगा। जैसे ही रोड पे आप इसको लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको नहीं लगाना है। आप साइड में लगा सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ तक, एंड बाकी जो बीच वाला एरिया उसको अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा है। देख सकते हो काफ़ी अच्छी यहाँ पे ओवरऑल इसकी लुक आ रही है। एंड ये ग्लॉसी फिनिश में है, मतलब यहाँ पे आपका जो टायर रहेगा वो ग्लॉसी में आएगा। इसमें मैट भी आते हैं बट इस वाले प्रोडक्ट में आपको सिर्फ ग्लॉसी मिलेगा। सो ये चीज़ है। एंड यस, इसके अंदर एक कन्फ्यूजन रहेगा, अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो टायर शाइनर की जगह आपको कंगारू का टायर ड्रेसर मिलेगा, जो कि बेसिकली सेम प्रोडक्ट है। तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप टायर ड्रेसर ले सकते हो, सेम प्रोडक्ट है, सेम इंग्रेडिएंट है। अगर आप उसमें चेक करोगे तो उसके अंदर भी सिलिकॉन इमल्शन है एंड शायद प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है। तो उसमें आपको 200 ml, 1 liter एंड 5 liter का ऑप्शन है। और अगर आप इसको देखोगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कंगारू के। तो ये है 400 ml का, एंड इसके अंदर एक बड़ा कंटेनर भी आता है जेरिकेन साइज़ का, उसके अंदर आपको 20 liter का मिल जाएगा। तो गाइस, इसका एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है, जैसे आपने देखा वीडियो में, बहुत ही इजीली मैंने अप्लाई किया। बस आपको कुछ नहीं करना है, स्प्रे करना है एंड एप्लीकेटर से स्प्रेड करना है। और ये स्पंज अगर ख़राब हो जाता है तो आप कोई भी दूसरा स्पंज यूज़ कर सकते हो गाइस। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये स्पंज दोबारा परचेज करना पड़ेगा या आपको कोई दिक्कत आएगी। आप कोई भी स्पंज को यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ कर सकते हो। बस आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो टायर हो ऑलरेडी ड्राई हो और क्लीन हो। मतलब अगर वॉश कर रहे हो इसके बाद टायर बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, तभी आपको इसको अप्लाई करना है, अदरवाइज़ ये सही से काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो प्रोडक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको नॉन ग्रीसी फार्मूला यूज़ किया हुआ है इसमें। तो सिलिकॉन इमल्शन है जो कि ब्लैक कलर का है, तो इसका जो प्रोडक्ट है, इसके नीचे जो निकलता है वो ब्लैक कलर का है, एंड वही आपको फिनिश देता है ब्लैक जो टायर को मिलती है। तो इस प्रोडक्ट का बेसिक जो फंक्शन है वो है रिस्टोर करना आपके टायर का जो ब्लैक शाइनी लुक होता है। मतलब जैसा टायर नया होता है उस टाइम जो इसका शाइन आपको करता है, बिल्कुल वैसे ही आपको शाइन ये रिस्टोर करता है। और साथ ही साथ इस टायर को एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है, जिससे कि पानी और यूवी रेज से ये प्रोटेक्टेड रहेगा और डस्ट वगैरह भी इससे नहीं लगेगी, बिकॉज ये एक हाइड्रोफोबिक लेयर फॉर्म कर लेता है ऊपर, तो वाटर एंड डस्ट इसके ऊपर इतने जल्दी नहीं लगेगा। और आपकी जो टायर है इसकी लाइफ इंक्रीज़ रहेगी, मतलब ये क्रैकिंग जो आप देखते हो पुराने, अगर आपने देखे होंगे व्हीकल्स, वहाँ पर क्रैकिंग का इशू रहता है। वो क्रैकिंग इसीलिए रहता है क्योंकि टायर को हम इतना केयर देते नहीं हैं जितना हम बाकी गाड़ी को देते हैं, उतना टायर को हम ध्यान नहीं देते। इसकी वजह से ऐसे होता है कि टायर आपका जो क्रैक्स पड़ने लगते हैं, फेडिंग होने लगता है, कलर इसका ब्राउन पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यूवी रेज हार्मफुल होते हैं एंड वो आपके टायर के लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जो कंटामिनेशंस होते हैं, मतलब धूल मिट्टी, पानी और डिटर्जेंट वगैरह जब भी आप वॉश करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके टायर की लाइफ को डिक्रीज करती हैं, तो उस सब से ये बचाएगा। सो इस प्रोडक्ट का रेगुलर यूज़ करने से आपकी जो टायर की ल्यूब्रिसिटी होती है वो इंक्रीज़ होगी एंड इसकी लाइफ ओवरऑल इंक्रीज़ होगी, तो आपकी जो टायर है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। यू कैन गो फॉर दिस। बेस्ट बाय लिंक हमेशा की तरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस आप खुद देख सकते हो, काफ़ी इमीडिएट रिजल्ट्स मिले। मतलब एक ही बार आपको ये करने पे ये रिज़ल्ट मिले, अगर चाहो तो आप इसको रिपीट भी कर सकते थे, तो मैंने एक ही बार किया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग मॉडिफाइड व्लॉग्स। स्टे सेफ, राइड सेफ एंड बाय।